हाय गाइस कैसे हो आप सब मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM Mathematics मैथमेटिक्स पर तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ सी मैथ्स का चैप्टर नंबर वन नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर फोर लेकर आए हैं जिसमें हम एन एग्जांपल्स नंबर सिक्स सेवन एट एंड नाइन के सोल्यूशनस विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं तो ये जो आपके एन सी आर टी एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स हैं सिक्स सेवन एट नाइन ये आपके पेज नंबर एलेवन के ऊपर प्रेजेंट हैं एन सी आर टी टेक्सट बुक मैथमेटिक्स जिन जिन के पास भी एन सी आर टी की टेक्सट बुक इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उस एन को अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने लैपटॉप पे पीसी पे जहां जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और फिर उसमें से आपको सारे चैप्टर्स विद क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे बेसिकली ये जो लेक्चर है एन सी आर टी एग्जाम्पल्स वाला ये प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जब तक आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप ये एन सी आर टी एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर सकते तो इसके लिए आपको हमारी नंबर सिस्टम जीरो थ्री दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द डेसिमल एक्सपेंशन वी एक्सपेंशंस तो ये दोनों ये आपको दोनों डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए अगर वो दोनों अच्छे से आएंगी तो ही आपको एन सी आर टी के एग्जाम्पल नंबर सिक्स सेवन एट और नाइन अच्छे से आएंगे तो जल्दी से अपना पेज नंबर इलेवन टर्न अप कर लो एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स से शुरुआत करेंगे बट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें साथ ही साथ एन सी आर टी एग्जाम्पल नंबर सिक्स सेवन एट नाइन की जो पी डी एफ नोट्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहाँ पर जाके उस पी डी एफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका कभी भी यूज और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल नंबर सिक्स पेज एलेवन मैथ्स एन सी आर टी बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ पॉइंट्स uh, कुछ रिविजन जो है वो ज़रूर करवा देना चाहूँगा फॉर ऑल दोज जिनको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आती और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक इस क्लास में आकर भी एक्चुअली में क्लियर नहीं है तो मैं आपको इस लेक्चर से स्टार्टिंग से पहले वो बता दूंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव अ हेडिंग इट इज लेक्चर नंबर फोर ऑफ़ आर नंबर सिस्टम सो लेट मी गिव यू जीरो फ़ोर ऑफ अडिंग है तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बता देना चाहूँगा Uh, इस लेक्चर में जो हमें काफ़ी क्वेश्चन में काम आ सकती है वो है वलगर फ्रैक्शन क्या होता है वॉट इज एक्चुअली वलगर फ्रैक्शन वलगर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स एक दूसरा नाम है जिसे हम कह लेते हैं कॉमन फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों का एक कॉमन नाम है वलगर फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन को भी हम वल्गर फ्रैक्शन कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री बाय फोर वन बाय टू ये क्या है सिंपली एक फ्रैक्शन है आई होप आप सभी को फ्रैक्शन तो पता ही होगा क्लास फिफ्थ में पढ़ चुके हो तो जो फ्रैक्शन है उसे सिंपली हम कॉमन फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या वल्गर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कई भी क्वेश्चन में ऑल दो आपके एन में ऐसा नहीं है क्वेश्चन बट वैसे भी टीचर क्वेश्चन में दे सकता है वल्गर फ्रैक्शन वर्ड तो कई बच्चों को वल्गर फ्रैक्शन वर्ड ही नहीं पता होता एंड एनहेंस क्वेश्चन पूरा क्रॉस हो जाता है इसलिए वल्गर फ्रैक्शन को मैंने बता दिया क्या है कॉमन फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री बाई फोर वन बाई टू एंड फाइव बाई एलेवन फिर उसके बाद आपने डेसिमल्स में ज़रूर पढ़ा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक नंबर है थ्री जैसे एक नंबर है थ्री तो उसका डेसिमल कहाँ पे प्रेजेंट है उसका डेसिमल यहाँ पे प्रेजेंट है आई होप आप सभी को पता होगा ये बात थ्री पॉइंट ज़ीरो इन शॉर्ट थ्री होता है ये आप सभी को पता होगा थ्री पॉइंट जीरो इन शॉर्ट क्या होता है थ्री अब अगर इस थ्री पॉइंट ज़ीरो को मैं टेन से डिवाइड करूँ एक तरफ और थ्री पॉइंट ज़ीरो को टेन से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर जो डेसीमल है मल्टीप्लाई करने पर राइट right में शिफ्ट हो जाएगा ऑन मल्टीप्लीकेशन विद टेन कितने टाइम एक ज़ीरो है तो एक टाइम राइट पे शिफ्ट होगा एंड वील गेट थर्टी डिवाइड करने पे डेसिमल एक टाइम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा टेन से किया है एक ज़ीरो इसलिए एक टाइम अगर हंड्रेड से किया होता तो दो टाइम्स होता आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं टेन से किया है इसलिए एक ज़ीरो है इसलिए डेसिमल राइट में एक टाइम शिफ्ट होगा जब मल्टीप्लीकेशन है आंसर आ जाएगा थर्टी डिवाइड करेंगे टेन से यानी ज़ीरो एक है तो डेसिमल एक ही टाइम लेफ्ट में शिफ्ट होगा डिवाइड के केस में तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री जो है हमारा केस तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं सो मेक श्योर आप इन दोनों के ऊपर एक अच्छे सी नज़र डालें और इनको समझ लें वलगर फ्रैक्शन एक ही बात है कॉमन फ्रैक्शन एक ही बात है फ्रैक्शन थ्री बाई फोर वन बाई टू फाइव बाई एलेवन ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं उसके बाद डेसिमल में अगर हम टेन से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई तो डेसिमल एक टाइम राइट में शिफ्ट होता है क्योंकि जितने जीरो हैं टेन में उतना और टेन से डिवाइड करें तो डेसिमल एक टाइम पीछे शिफ्ट होता है जितने ज़ीरोज हैं ये आपको सबको पता ही होगा थ्री पॉइंट जीरो डेसीमल हटाओगे इसको मैं अब ऐसे रट्टाफिकेशन ही मान के चलते जैसे थ्री पॉइंट जीरो है पॉइंट हटाया नीचे टेन लग गया इंटू टेन है ये वाला तो ये टेन से टेन कट गया आंसर क्या आ गया थर्टी वैसे यहाँ पे है थ्री पॉइंट जीरो नीचे टेन लग गया और नीचे एक और टेन था जीरो से जीरो कट गया आंसर क्या आ गया जीरो पॉइंट थ्री ये है बट आप ऐसे हर जगह पे ऐसे ये कैलकुलेट करके नहीं देख सकते ना तो इसलिए आपको सिंपल इसे एक टाइप से दिमाग में ट्रिक तरीके से बिठाना पड़ेगा इन एग्ज़ाम्पल्स को करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो थी डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्वियस ही बात है मैं इस चैप्टर में उससे रिवाइज तो बिल्कुल भी नहीं कराने वाला क्योंकि अगर कोई बच्चा हाफ मूवी देखना शुरू करता है तो उसे मूवी समझ नहीं आएगी जब तक आप मूवी को स्टार्टिंग से ना देखो बीच में से देखो तो आपको मूवी बिल्कुल नहीं समझ आती स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको मूवी समझ में आएगी इसलिए इस चैप्टर को भी स्टार्टिंग से पढ़ो तो ये चैप्टर समझ में आएगा बीच का लेक्चर चला उठा के अगर आप देखने आ गए हो तो फिर नहीं बिल्कुल भी समझ में आने वाला सो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने बात की थी तो आई होप आपको आती होगी टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड कर जाए कहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब नॉन एंडिंग हो बट साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा हो तो ये दो तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो पढ़ी थी तो uh, बिना किसी टाइम वेस्ट किए नाउ विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दी एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स ऑफ योर एन सी आर टी एंड बी सॉल्विंग इट विद प्रॉपर सोल्यूशन फॉर फर्दर सोल्यूशंस क्लियर नोट अच्छे से चाहिए तो आपको आप पी डी एफ नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं सो एग्ज़ाम्पल नंबर सिक्स पेज इलेवन मैथ्स एन सी आर टी इज़ ओपन योर बुक्स या फिर मैंने बताया था पी फॉर्म um, जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आप एन बुक्स के लिए सो so, वो क्वेश्चन uh, है कि यू हैव टू प्रूव यू हैव टू शो दैट थ्री पॉइंट वन फोर टू सिक्स सेवन आई रिपीट थ्री पॉइंट वन फोर टू सिक्स सेवन जो है वो एक रैशनल नंबर है या फिर उन्होंने लिखा इन अदर वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ वर्लगर फ्रैक्शन ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर यू हैव तो टू एक्सप्रेस दिस आ, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सप्रेस दिस नंबर एज ए वल्गर फ्रैक्शन अब बच्चे सोचने लग जाते हैं वल्गर फ्रैक्शन क्या है एन सी आर टी एग्जाम्पल में है पर वहाँ पे वल्गर फ्रैक्शन नहीं यूज़ किया था पी बाई क्यू फॉर्म यूज़ कर दिया था बट टीचर ने वल्गर फ्रैक्शन लिख दिया तो बच्चों को समझ नहीं आया तो समझ आने के लिए वल्गर फ्रैक्शन वर्ड मैंने आपको बता दिया वल्गर फ्रैक्शन मतलब सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आप इसे आसानी से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो वेरी इजी थ्री वन फोर टू सिक्स सेवन पॉइंट हटाओ और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज़ लग जाएंगे यहाँ पे पीछे एट भी है उतने ज़ीरोज़ लगा दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हैंड्स पी वाई क्यू की फॉर्म में है पी एंड क्यू इंटीजियर्स हैं क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में है हैंस प्रूफ दिस वॉज द ईजिएस्ट एग्जाम्पल एवर मेट खत्म बात अब मैं साथ ही साथ आपसे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन पूछना चाहूँगा ऑल दो ये क्वेश्चन का नहीं है पार्ट बट फिर भी मैं आपसे इसकी डेसिमल जो है एक्सपेंशन पूछना चाहूँगा तो आप देख सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है क्यों क्योंकि ये एक टाइम के बाद एंड हो रही है साथ ही साथ इसके जो रिमाइंडर्स uh, हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए दिस इज़ टर्मिनेटिंग तो ये था आपका एग्जांपल नंबर सिक्स अब ये तो था कुछ इजी सा एग्जांपल जो तो हो चुका है एब्सोल्यूटली किल्ड किल्ड और ऐसे एग्जांपल्स हम फ्यूचर में भी किल करते ही रहेंगे बट अब नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहे हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट और थोड़े डिफरेंट माने जाते हैं बच्चों से उसके लिए आपको बेसिकली एक ट्रिक याद करनी पड़ती है एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर सेवन एग्जाम्पल नंबर एट में आप उसे खुद ट्राई करना क्या लिखा है उन्होंने उन्होंने लिखा है कि आपको 0.333 जिसे मैंने लिखना सिखाया था 0. जो नंबर रिपीटर है उसके ऊपर बार ऐसे लिख दो तो इसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहाँ पे पी इंटीजर क्यू इन q जीरो के बराबर नहीं है इन शॉर्ट आपको इसे या तो वल्गर फ्रैक्शन बनाना है या फिर आपको इसको रैशनल नंबर प्रूव करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है अब इसे कैसे लाएं पी बैक यू की फॉर्म में तो अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन में स्टेप्स क्या फॉलो करने एक टाइप का एक रट्टाफिकेशन ट्रिक है ये इसमें दिमाग बहुत ही कम जगह पे यूज़ करना है बेसिकली तो रट्टाफिकेशन ही है बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको खुद ट्राई करना है तो क्या करना है सबसे पहले जो भी नंबर है उसको आपने एक्स के बराबर लेट कर लेना है फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए फर्स्ट स्टेप आपका ये है लेट एक्स इज इक्वल टू ये नंबर ये हो चुका है नंबर नाउ जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं आई रिपीट जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं यहां पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ थ्री रिपीट कर रहा है यानी ओनली वन तो आप इन दोनों को टेन से मल्टीप्लाई कर दोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय टेन आई रिपीट जितने नंबर रिपीट करें एक नंबर रिपीट किया तो टेन से दो रिपीट किए तो हंड्रेड से तीन रिपीट किए तो थाउजेंड से चार रिपीट किए तो टेन थाउजेंड से ऐसे यहाँ पे एक नंबर रिपीट किया तो दोनों साइड को टेन से तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन एक्स इज़ इक्वल टू टेन इंटू ज़ीरो पॉइंट थ्री बार तो ये टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इंटू ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो अब टू तो ये टेन एक्स इज़ इक्वल टू टेन इन टू अब इसका मतलब ये इसका क्या आंसर आएगा ये मैंने डेसिमल में आपको सिखाया था कि जब मल्टीप्लाई करें ऐसे टेन से तो पॉइंट जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है राइट right में यानी ये नंबर बन जाएगा थ्री पॉइंट थ्री 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 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है थ्री एक आगे आ गया पॉइंट यहाँ पे हो गया ओके okay, अब ये था सेकंड स्टेप आपका प्रॉपर इसे ऐसे सॉल्व कर लो अब थर्ड स्टेप है वो है दिमाग वाला सिर्फ थर्ड स्टेप है वो है दिमाग वाला उसमें दो तरीक़े हैं आपके करने के या तो आपको किसी भी तरीके से ये नंबर यहाँ पे लाना है किसी भी तरीके से आपको ये वाला नंबर यहाँ पे लाना है या तो आप अपने दिमाग यूज़ करके ये वाला नंबर यहाँ पे ले आओ वो मैं यूज़ करता हूँ कैसे जैसे ये है इसको मैंने लिख दिया थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 आ गया ना ये वाला नंबर यहाँ पे थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री इसको लिख सकते हैं ना थ्री और प्लस जीरो पॉइंट थी थी ऐड करोगे तो यही आएगा तो ये तो था मेरा दिमाग अब जिसका तो नहीं लग रहा है दिमाग उसे क्या करना है उसे पहले से ही ये वाला नंबर लिख देना है उसे पहले से ही ये वाला नंबर लिख देना है और फिर उस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है नू सिंपल है फर्स्ट स्टेप तो आपको आ गया होगा समझ सेवरी सेकेंड भी आ गया होगा समझ कैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है डेसिमल मैंने बताया था थर्ड स्टेप में है कि आपको ये वाला नंबर यहाँ लाना है ये याद रखना है तो या तो आप इसमें दिमाग यूज़ कर लो जैसे मैंने यूज़ किया दिमाग अपना इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया या फिर क्या करना है या फिर क्या करना है ये वाले नंबर को पहले से यहाँ लिख दो पहले से ही यहाँ लिख दिया उसके बाद प्लस का साइन लगा दो उसके बाद इस वाले नंबर को इसमें से माइनस करो ये मैंने इसमें से माइनस किया थ्री 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 माइनस जीरो पॉइंट थ्री 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 सो अप टू माइनस करो कि जीरो ज़ीरो जीरो, जीरो जीरो आता रहेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा थ्री मतलब थ्री बचा उस थ्री को यहाँ लिख दो इन दो तरीक़े से आप कर सकते हो आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में और अच्छे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद क्या है ये टेन एक्स ये थ्री अब ये क्या है ये तो भाई x है हमारा यहाँ पे लिखो x अब तो ये एट्थ क्लास वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लीनियर इक्वेशन बन चुकी है ये x यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा और उधर थ्री रह जाएगा तो नाइन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स की वैल्यू थ्री बाई नाइन यानी वन बाई थ्री तो इन शॉर्ट एक्स जो ज़ीरो पॉइंट थ्री था वो इसके बराबर आ चुका है सॉरी माई थ्रू गॉट सब सो x जो है वो वन पॉइंट थ्री के बराबर आ चुका है x क्या था जीरो पॉइंट थ्री तो जीरो पॉइंट थ्री बार को हम वन पॉइंट थ्री लिख सकते हैं यानी इसे हमने रैशनल नंबर प्रूव कर दिया है इसे हमने रैशनल नंबर वल्गर फ्रैक्शन p बाई क्यू इस फॉर्म में प्रूव कर दिया है दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आई होप अगर आपको नहीं समझो दोबारा एक बार देखो इसी के बाद अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से यू नो वी ट्राई टू solve सो नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 8 एग्ज़ाम्पल नंबर 8 इसका तो आंसर आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 8 एक बारी जो मैंने मेथड सिखाया है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा तो फर्स्ट स्टेप क्या था जो भी नंबर है उसे एक्स ले लो तो नंबर क्या है इस बारी गिवन 1.27 बार नंबर है इस बारी बार तो क्या है दोनों के ऊपर बार है तो लेट फर्स्ट स्टेप तो है लेट x इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू सेवन बार ये तो था फर्स्ट स्टेप नाउ अब कितने हैं दो हैं मतलब हंड्रेड से मल्टीप्लाई होगा सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हंड्रेड तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया क्या आया हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड इन वन पॉइंट टू सेवन बार यानी हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड इन टू वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन एंड सो अप टू यही चल रहा है। अब दो ज़ीरो है मल्टीप्लीकेशन है पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड में कितनी बारी दो बारी तो क्या होगा ये हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन एंड सो अप टू यही चलता रहेगा आई होप आपको इतना समझ में आएगा नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो है दिमाग वाला स्टेप वो क्या है दिमाग से ये वाला नंबर यहाँ लाओ तो दिमाग से मैंने क्या किया 126 कर दिया बचा कितना 1.27 1.27 27 1 ये तो मेरा दिमाग था कि इस चीज़ को मैंने खोल के 126 लिख दिया साथ ही साथ 1.27 27 27 लिख दिया अब जिन में जिनको दिमाग नहीं लग रहा उनको क्या करना है उनको ये नंबर सीधा का सीधा यहीं लिख देना है सीधा का सीधा यहाँ लिख दिया और उसके बाद इस वाले नंबर में से उसे माइनस करना है इस वाले नंबर में से इसे माइनस करोगे तो 126 आएगा माइनस करके देखो लो यहाँ पे करके दिखाता हूँ 127.2727, इसको माइनस करना है 1.2727 एंड सो अप टू सो अप टू जीरो ज़ीरो आता जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे सिक्स टू वन आई होप आपको समझ में आ गया है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हंड्रेड एक्स वन ट्वेंटी सिक्स को वन ट्वेंटी सिक्स लिखेंगे ये है हमारा एक्स ये है हमारा एक्स तो ये लिख दिया एक्स ये एक्स इधर आ गया माइनस होएगा नाइनटी नाइन एक्स इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी अपॉन नाइनटी नाइन विच यू विल कट एंड गेट फोर्टीन बाई इलेवन नाइन के डेल पे काट दो नाइन वन जो नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स अपॉन नाइन वन वन ऐसे तो बार इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन एलेवन ऐसे आपका आ जाएगा आंसर जिसको नहीं आया वो दोबारा समझे नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक बार दोबारा हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में मैं आपसे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक बारी जान लेना चाहूँगा ये नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है ये नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रही साथ ही साथ क्या है रिपीटिंग तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो ये है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन और इसको हमने फिर से रैशनल नंबर वलगर फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन या पी वाई क्यू की फॉर्म कह लो उसमें रिप्रजेंट कर दिया है तो आई होप एग्ज़ाम्पल नंबर एट भी आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो नाइन्थ देख लेते हैं भाई समझ आ ही जाएगा अगर सेवन्थ एक बारी आप दोबारा वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो सेवन्थ अगर आप दोबारा अच्छे से समझ लोगे तो बिल्कुल ही इसी तरीके से आपको एट्थ और नाइन्थ भी समझ में आ जाएगा सो एग्ज़ाम्पल नंबर नाइन्थ की तरफ हम चलते हैं उसमें है नंबर हमारे पास ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार सिर्फ थ्री फाइव के ऊपर बार है रिपीटिंग वाले सिर्फ और सिर्फ थ्री बार फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल एक्स को लेट करना है ये तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार एक्स को हमने ऐसे लेट कर लिया नाउ। जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है दो हैं थ्री और फाइव रिपीट कर रहे हैं टू रिपीट नहीं करा मतलब हंड्रेड से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हंड्रेड तो क्या किया हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव रिपीट कर रहा है टू रिपीट नहीं कर रहा प्लीज नोटिस ध्यान से देखें तो हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू कैसे दो हैं तो डेसिमल दो टाइम्स आगे यानी टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव एंड सो अपू सो हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ये सब आ रहा है अब थर्ड स्टेप जो है वो है आपका दिमाग वाला अब मेरा ना इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है मेरा दिमाग नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा ऐसे ही है इस वाले नंबर को पहले से यहाँ लिख देता हूँ जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ऐसे और यहाँ पे क्या लिखना है इसमें से ये नंबर माइनस करके लिखना है यहाँ पे तो माइनस करते हैं चलो टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव यहाँ पे माइनस किया जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव क्या आया जीरो जीरो ऐसे चलता चलता थ्री फाइव थ्री फाइव आता रहेगा जीरो जीरो आता रहेगा ये भी जीरो ये भी जीरो ये थ्री ये थ्री ये टू यानी टू थ्री पॉइंट थ्री ये नंबर आ रहा है यहाँ पे मेरा अब तो बहुत ईजी है हंड्रेड एक्स इज इक्वल्स टू टू थ्री पॉइंट थ्री प्लस ये क्या है ये है एक्स ये है एक्स आई होप ये x इधर जाएगा नाइन्टी नाइन एक्स बन जाएगा टू थ्री पॉइंट थ्री यार ये तो अब एथ क्लास में किया हुआ आना चाहिए भाई अब जिसको नहीं आता तो उसको मतलब बिल्कुल ही नहीं कुछ आता तो उनको तो एलजेबरिक अल, एक्सप्रेशन आना चाहिए ना भाई इतना तो मैं इतना तो मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊँगा अब आपको तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है टीचर के लिए भी बट हाँ आई एम ऑलवेज़ रेडी टू एक्सप्लेन योर डाउट बट ऐसे प्रीवियस क्लासेस के कंसेप्ट भी मैं आपको अब एक टाइम पे समझा नहीं सकता सो इट्स वेरी इजी एक्स यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में माइनस हो जाएगा नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री अपॉन नाइन्टी नाइन ये पी क्यू की फॉर्म में है बट पी जो है वो इंटीजर नहीं है डेसिमल है इंटीजर बना लेते हैं भाई डॉट हटा दो डॉट हटाया तो नीचे क्या लग गया टेन वो टेन नाइन्टी नाइन नाएं से मल्टीप्लाई हो गया और नाइन नाएं नाइनटी बन गया हैंस जो हमारा ट्वेंटी तो जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार है उसको हम टू थर्टी थ्री पॉइंट नाइन नाइन्टी लिख सकते हैं यानी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट pre कर सकते हैं वल्गर फ्रैक्शन की फॉर्म में और साथ ही साथ उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल कॉमन फ्रैक्शन या पी बाई क्यू की फॉर्म में जहाँ पे पी और क्यू जो है वो है इंटीजर्स और क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है इसका मेथड जो है मैंने आपको एग्ज़ाम्पल नंबर सेवन में बहुत अच्छे से समझाया इस एग्ज़ाम्पल तक भी मैंने अच्छे से समझाया मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर सेवन दोबारा समझो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है वैसे है तो एकदम रट्टा टाइप ही है ट्रिक है ट्रिक को तो हमेशा रट्टा ही मारना पड़ता है अब आपको ये दिमाग वाली है ऑब्वियसली बात है इस तरीके से स्टार्ट करना है ये तो एकदम रट्टाफिकेशन टाइप ही है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बस इसकी मैं एक डेसिमल एक्सपेंशन आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आप आपको कुछ बताने वाला हूँ तो अगला वीडियो देखने से पहले ये वाला वीडियो ज़रूर आपने देखना है डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग साफ साफ ही दिख रहा है जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव जो है वो बारी बारी चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है साथ ही साथ रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग तो ये है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जैसी भी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसको हम यू नो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं ये आपने नोटिस किया जैसे फर्स्ट वाला आया उसमें टर्मिनेटिंग थी डेसिमल एक्सपेंशन एग्जाम्पल नंबर सिक्स उसको भी हमने पीबैक्यू की फॉर्म में लिखा अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी दो एग्जाम्पल्स कर लिए तीन उसमें भी हम पी वै क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर तो अगले लेक्चर में इससे कुछ अच्छा बताने वाला हूँ मैं आज का लेक्चर बस इतना ही स्टॉप कर देते हैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना सो so, बस आज का लेक्चर इतना ही अगला लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके ऊपर बेस्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ एक नए टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में टिल द टाइम पढ़ाई करते रहें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें पढ़ाई करते रहें ऑलवेज और ये वाला लेक्चर तो बहुत अच्छे से देखें भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड